ट्यूटर मेंटर। वो कहा जाता है ना, कब किसको क्या हो जाए ये किसी को पता भी नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ जब देश भर में कोविड महामारी का खतरा छा गया था। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ वायरस होता है जो देश भर में फैल जा सकता है और इतने सारे लोगों की जान ऐसे ही चली जाती है। ऐसी ही कुछ बीमारी थी कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसने बहुतों की जान ले ली और न जाने कितने दिनों तक मुसीबतों का सामना करना पड़ा सभी को। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब ये महामारी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अभी ना किसी के लिए कोई लॉकडाउन है, ना ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ता है। धीरे धीरे मास्क पहनना भी लोग बंद कर चुके हैं, थैंक्स टू दोज साइंटिस्ट जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की डिस्कवरी की और भारत में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कैंप के द्वारा अब ये महामारी हम सभी से बहुत दूर है। इसी महामारी के दौरान बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए थे, रोड ट्रांसपोर्ट एयरवेज सभी रेस्ट्रिक्टेड थे उस वक्त। लेकिन अभी ट्रैवलिंग के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है ट्रैवलिंग के लिए। इसी के साथ सुनने को मिला है कि हांगकांग ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए $254.8 मिलियन की 5 लाख एयरलाइन टिकट को गिव अवे कर दिया है, यानी पूरी तरह फ्री है। ये जो फ्री टिकट्स लाए गए हैं हांगकांग को सपोर्ट करने के लिए, पैंडमिक के दौरान इन्हें नेक्स्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैवलर्स को उसी सिटी के एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ग्लोबल डाटा के डिमांड और फ्लो डाटा बेस के अनुसार 2019 में पैंडमिक के इफेक्ट में हांगकांग ने 23.75 मिलियन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को अराइव करते हुए देखा है। कोविड-19 में लगाए गए रेस्ट्रिक्शन के बाद ये 1.36 मिलियन ट्रैवलर हुए 2020 में, और 2021 में ये कम होकर 85,944 ट्रैवलर्स हो गए हैं। इन्हीं ट्रैवलर्स में से चाइनीज अराइवल्स थे 68.42% 2019 में, 65.75% थे 2020 में, और 61.36% थे 2021 में। इससे ये पता चलता है कि चाइनीज सोर्स मार्केट हांगकांग के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब रिकवरी स्ट्रेटजी की प्लानिंग हो रही थी तो ये पोटेंशियली हाई था, क्योंकि दूसरे कंट्रीज में लाइटर रेस्ट्रिक्शंस थी इन कंपैरिजन टू देम। इसीलिए ये फ्री टिकट्स की इनिशिएटिव को बूस्ट किया गया ताकि हांगकांग की टूरिज्म इंडस्ट्री फिजिकली अट्रैक्टिव लगे। रिसेंटली हांगकांग में वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट रूल था, क्योंकि वो चाइना के जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करता है। पिछले 30 महीने तक इफेक्टिवली क्लोज होने के बाद 26 सितंबर 2022 को हांगकांग गवर्नमेंट ने कहा सिटी में होटल क्वारंटाइन में रहने के लिए लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, और होटल क्वारंटाइन में रहने के लिए भी उनको ये सब रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैवलर्स अपना एरिया में खुद को पॉसिबल इन्फेक्शन को लेके मॉनिटर कर सकते हैं, पर यह सब हांगकांग को आने से 3 दिन पहले होना चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट ने सिटी रीओपनिंग को लेके कोई रोड मैप या टाइम टेबल नहीं बनाया है, पर इससे वो वर्ल्ड टूरिज्म इंडस्ट्री रिड्यूस्ड और रिमूव रेस्ट्रिक्शन से रिकवर कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज फाइनलाइज करेंगे एयरलाइन कंपनीज के साथ एक बार जब गवर्नमेंट कोविड-19 के रिमूवल का अनाउंसमेंट कर ले। इसके बाद हांगकांग टूरिज्म बोर्ड इस फ्री टिकट्स के लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी अरेंज करेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।